पिछले सप्ताह हुई अच्छी बारिश से नगर सहित अंचल में किसानी कार्यों में तेजी आई है, जिससे अब अंचल में किसानी काम ने जोर पकड़ लिया है। नगर से लगे गांव तर्री, दुलना, पटेवा, कुर्रा, छाटा, परसदा, पारा गांव, नवा गांव व कोलियारी के किसान अब खेती कार्य में जुट गए हैं। हर किसान अच्छी फसल लेने की तैयारी कर रहा है। वर्तमान में अनेकों किसान ट्रैक्टर से जुताई कर रहे हैं तो अनेकों किसान पारंपरिक जुताई के तरीके हल से जुताई कार्य कर रहे हैं और साथ ही साथ बीज का छिड़काव भी कर रहे हैं। अंचल के किसान कृषि पूर्व खेतों की सफाई भी कर रहे हैं ताकि फसल की अच्छी पैदावार हो सके। पिछले सप्ताह हुई अच्छी बारिश से किसानों के चेहरे पर अलग ही खुशी देखने को मिल रही है। सभी किसानों को उम्मीद है कि भगवान इंद्रदेव उनकी फसलों की अच्छी उपज के लिए ऐसी ही दया दृष्टि पूरे सीजन भर बनाए रखेंगे। इस तरह से अंचल के किसान पूरे उत्साह और मन से खरीफ की फसल लेने में जुट गए हैं। ज्ञात हो कि पिछले सप्ताह हुई अच्छी बारिश के बाद जुताई काम में तेजी आई है। जमीन पूरी तरह से भीग जाने के चलते काफी नरम हो गई है, लिहाजा हल चलाने के लायक है। यही कारण है कि किसान अब पूरे मन से किसानी काम में जुट गए हैं, लेकिन अब जुताई के लिए ट्रैक्टर मिलना भी किसानों के लिए मुश्किल हो गया है और जो मिल रहा है उसका मजदूरी दर भी 800 रुपए प्रति घंटा है, जिसके चलते आर्थिक स्थिति से कमजोर छोटे किसान पारंपरिक तरीकों से काम चला रहे हैं और हल का उपयोग खेती की जुताई के लिए कर रहे हैं। DNX TV के लिए नवापारा राजिम से विश्वेश्वर हिरवानी की रिपोर्ट। हमारे साथ पटेवा गाँव के किसान लक्ष्मीनाथ है जी, बताइए किस तरह से आप लोग किसानी काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा तेजी से चल रहा है किसानी जी, पानी भी मौसम भी बहुत अच्छे से तरह गिर रहा है जी। प्राय प्राय यहाँ बुआती भी आ गया है, धान भी अच्छा मस्त जग रहा है। अच्छा फसल होने की उम्मीद है आप सभी को, बारिश अगर अच्छा होती तो। उम्मीद है ना जी जी, मौसम भी लहरा रहा है जी जी, पानी गिरे तो उम्मीद है जी। पटेवा गाँव के यहाँ पर किसान भाई है जो बताएंगे जी, बताइए। बतर चलत गया तो पानी वही चला धान नागर क्या, पानी गिरने के बाद आप लोगों के कार्य में कृषि कार्य में तेजी आया है मतलब। पानी का है अभी एकदम धरे हाँ। जी जी दो चार दिन अभी बंद होते अभी चला थे।